हेलो दोस्तों, यह है क्रैश कोर्स मैट्रिक्स का पार्ट टू वीडियो है। ओके, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और आपको बोले मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करिएगा। ओके, तो आप इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। ओके, 2 4 3 2, फिर दूसरा मैट्रिक्स है 3 7 4 5। हमें इसमें फाइंड करना है ए बी। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो आप क्या करना है हमको, R1 में। ओके, मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में R1 से ना Column 1 and Column 2 में मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसमें भी R2 में, R2 से Column 1 and Column 2 में मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो कैसे, ए बी 2 4 3 2। ओके, फिर ये मैट्रिक्स है 3 7 4 5। ओके, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो हम क्या करेंगे। R1 से Column 1 में गुना करना है, R1 से Column 1 में, फिर Column 2 में। तो यहाँ पर देखो R1 में हम गुना करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ए बी। ओके, ये कोई मैट्रिक्स लिए हैं नया में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो R1 है या ना, इस Column 1 and Column 2 में गुना करना है R1 से, पहले Column 1 में फिर Column 2 में। तो हम R से 1 में गुना करेंगे, 2 1 2, फिर 4 से हम -2 में गुना करेंगे, तो ये हो जाता है प्लस, यहाँ पर देंगे और 4 2 8 -8 होगा। फिर इस कॉलम में गुना करेंगे Column 2 में, तो 3 2 6, फिर 4 5 20 ना, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ पे R2 से Column 1 and Column 2 में गुना करेंगे। मेरा बारी, पहले Column 1 में गुना करते हैं, 3 1 3, फिर 3 2 9, फिर ये हो ना, ये जो इस 3 से 1 में गुना किए, फिर 2 से -2 में गुना करेंगे, तो प्लस और -4, चूँकि 2 2 9 4 होता है। ओके, अब यहाँ पे इस Column 2 में फिर गुना करते हैं, 3 3 9, फिर 2 से 5 में गुना करेंगे, 5 2 9 10, प्लस 10। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और -8 होता है 6, माइनस में 6 होगा, फिर यहाँ पे 6 और 20 हुआ 26, फिर 3 और -4। ओके, तो -1 होगा, क्योंकि -4 घटाएंगे, अब 10 10 और 9 हो जाता है 19, ये हुआ। तो ये मैट्रिक्स आया है 2×2 का। ओके, तो अब आप बना लीजिएगा ना, यही है, यही एक ट्रिक्स है, आप ट्रिक्स क्या, इसको आप याद रखो, यही रूल है। ओके, यह रूल है, इसी पर बनता है, तो आप ये याद रखो और बना लीजिएगा आराम से। ओके, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, कितना होता है, तो मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टीज होगा, उसको देखो, तो ये आप आराम से बना लीजिएगा ना। अब यहाँ पे देखो उसका प्रॉपर्टीज, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको ए, ओके, ए इंटू बी सी मिले, तो ये फिर इधर होगा ए बी
मल्टीप्लाई सी, ओके। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट है ए बी प्लस सी रहे तो ये हो जाता है ए बी प्लस ए सी, ये कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है ए प्लस बी या सी करो, हमें मिलता है वही ए सी प्लस बी सी, ये आएगा, ओके। ये बात आप याद रखिए, ओके। आप इसके पावर को थोड़ा समझिए, ओके। इसके पावर को आप समझिए, ये जो स्क्वायर है ना, आपको गुना ये स्क्वायर किस लिए है मालूम है, क्योंकि आपको ये होता है ए इंटू ए, यानी आप ए कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, ये कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया रहेगा ना, तो उसी ए से फिर से हम गुना करेंगे, वो हो जाएगा फिर ऐसा ही मैट्रिक्स को फिर से हम गुना कर देंगे, ओके। यानी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया है 2 4 3 2, ओके। बी भी कोई मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ना ए, ये दिया है, हमें गुना करना है, यहाँ पर दिया रहेगा फाइंड ए स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या उसको कीजिएगा, यानी ए इंटू ए, ओके 2 4 3 2, ओके। फिर उसी को गुना करना है 2 4 3 2, ओके। तो ये होता है इसका मतलब, ये आप हम बता ही दिए हैं, यहाँ पे आर वन में आर वन से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो में ना, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसको फर्स्ट रो से कॉलम वन एंड कॉलम टू में, फिर सेकेंड रो में कॉलम वन एंड कॉलम टू में गुना करना है, ओके। लेकिन हमें ऑर्डर ये मिले ना, ऑर्डर जो इसका होता है वो 2 × 2 का मिले तब, ओके। ऐसा ही आप गुना करिएगा, ओके। ये बात अगर आप यहाँ पे समझ गए हैं ये वाला बात, तो नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको ए क्यू मिले तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए क्यू का मतलब हुआ, उसको हम 3 बार ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो ये बात आप समझ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट है अगर ए फोर रहे तो क्या होता है, ये होगा आपको ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अर्थात ए का स्क्वायर के इंटू ए का स्क्वायर। तो ये बात तो आप नहीं नहीं, ए का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ए क्यू इंटू ए, ये होता है। ये बात आप समझ चुके हैं, ओके। यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो एक और समझ लीजिए, ए प्लस बी अगर स्क्वायर में रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखिएगा आप, ओके। ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये बात आप याद रखिएगा, इसको हम ये करेंगे यहाँ पे। अब ये अगर आप समझ चुके हैं यहाँ तक का मल्टीप्लाई का हर एक कुछ, तो अब हम समझते हैं ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, ओके। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हम निकालते हैं वो हम देखते हैं, चलिए। अब हम ट्रांसपोज के बारे में समझते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, सो देखो, सबसे पहले जो रो होता है ना, लिख देते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, ये बात आप समझ गए, यहाँ हमें इंटरचेंज करना है रो इनटू कॉलम में, रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में, ओके। या कॉलम को कॉलम इनटू रो, ओके।
कॉलम इनटू रो, हमें कॉलम को रो में चेंज करना है और रो को कॉलम में, ये बात आप समझिए। ओके, ये बात अगर आप समझ चुके हैं या नहीं समझे तो आगे समझते हैं, यहाँ पर तो आप नहीं ही समझे होंगे, ये बात तो है। तो आप यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया रहे, ओके, एम गुने एन ऑर्डर का एम गुने एन, और उसका हमें ट्रांसपोज करना है, ओके, ट्रांसपोज को हम ये डैश देकर दर्शाते हैं, ओके, ऐसे अगर आपको दिया रहे ट्रांसपोज करना है, तो ये जो एम गुने एन है ना, ये एम गुने एन है, ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये बदल जाएगा ए जे आई, ओके, एन इंटू एम, ये इस हो जाता है ऐसे, ये बात आप याद रखिए, इसी से आप समझ जाएंगे कि ट्रांसपोज हम कैसे कर पाते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये करने के बाद देखो, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहे ऑर्डर, ओके, ऑर्डर आपको दिया रहे ऑर्डर एम गुने एन, ओके, ऑर्डर दिया रहे, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें हो जाता है एन गुने एम, ये बात आप समझ चुके हैं यहाँ ना, यही काम है जो हम आपको यहाँ पे बताए वही यहाँ पे काम है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करिए, ओके, इस पॉइंट को आप नोट करिए, यहाँ पे ये देखो, तो एलिमेंट जो होता है इसका, एलिमेंट देखिए, एलिमेंट ना ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद हमें एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये मिल जाता है, तत्व जो है वो रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। ओके, इतना कुछ लिखने के बाद अगर आप अभी नहीं समझे तो अब आप पक्का समझ जाइएगा, 2 4 3 6, ओके, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। देखो क्या बोले थे हम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ओके, ये बात ऐसे ऐसे भी आप याद रखिए, यहाँ पे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ओके, ऐसे भी तो आप याद रख सकते हैं ना, क्या इससे भी हल्का होता है, इसका ट्रांसपोज देखो, रो को कॉलम में 2 4, ये ऐसे है ना, अगर ऐसे रहे तो उसको हम खड़ा कर देंगे, अगर खड़ा रहे, ओके, ये बात आप याद रखिए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यहाँ पर देखो 3 7, रो को कॉलम में करिए या कॉलम को रो में करिए, ओके, कुछ भी कर सकते हैं, 2 4 और 3 7, ये मेरा ट्रांसपोज निकल चुका है, ऐसे ही तो हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ओके, देन यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ट्रांसपोज निकालने का ये जो विधि है सो आप समझ चुके हैं ना, है, अब ये आप समझ चुके हैं तो इसका ट्रांसपोज जो होता है उसका प्रॉपर्टीज भी आप समझ लीजिए, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेज, अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे हम दो बार तो हमें ए ही मिलेगा, ओके, एगो मैट्रिक्स कुछ दिया रहे उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे दो बार ना तो हमें ए ही मिलेगा, ओके, अब यहाँ पे देखो उसको हम अगर के कोई उसमें अलग से एलिमेंट रहेगा के ए का ट्रांसपोज करेंगे ना तो के बार हो जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा,
ये हमको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ये बात सब आप नोट कर लीजिए, चूँकि ये जो है पूछता ही है, पूछता है ए प्लस बी। ओके, ऐसा अगर आपको रहे ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये हो जाता है। ओके, कुछ कोई ठीक नहीं है मैट्रिक्स में, पूछ भी देता है, चूँकि यह बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, ये पूछ भी सकता है। ओके, इसी कारण ये हम आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट है ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे। ओके, ए बी का अगर हम ट्रांसपोज अगर करते हैं तो हमें मिलता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ से अगर ये आप नहीं याद रखेगा, ये अगर आपको नहीं याद रहता है तो ऐसे आप याद रखिए, ए बी सी रहेगा ना, इसे तीन को बला यानी सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ये होता है। ओके, तो ये जो बात है सो आप समझिए, ये यहाँ तक आप समझने के बाद इस सब का ट्रांसपोज करते हैं, तब ट्रांसपोज का आप सब कुछ समझ चुके हैं ना, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, रो को कॉलम में करिए या कॉलम को रो में, लेकिन करिए दोनों को। ओके, ये जो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ओके, लेकिन एक रो को सिर्फ कॉलम में चेंज करिए या नहीं तो कॉलम को रो में चेंज करिए, ऐसे ही यार दोनों को नहीं अलग अलग करके चेंज कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाता है। अलग अलग करके मतलब इसको अगर रो में चेंज किए ना तो दोनों रो को कॉलम में चेंज करिए। ओके, अगर कॉलम को रो में चेंज किए तो दोनों कॉलम को रो में चेंज करिए, ऐसे करके। तो ये आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम समझते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, और सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, ये हम जो है आप समझते हैं। चलिए, इन सब का हमें ट्रांसपोज करके आप बताइए। ओके, अब हम सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स समझते हैं क्या होता है, यहीं पे हम समझ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको सिमेट्रिक्स। यहाँ पे हम समझते हैं सिमेट्रिक्स, सबसे पहले सिमेट्रिक्स। मैट्रिक्स, ओके, इसमें क्या होता है, आप इसमें ए का अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे उसको हम ट्रांसपोज करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो अगर हमें प्लस में ही आता है तो वह सिमेट्रिक्स होता है। ओके, अगर आपको या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उसका तत्व जो है ना, ट्रांसपोज करने के बाद जो उसका तत्व है वो हमें प्लस में ही मिलेगा तब वह सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, ये बात आप समझिए। नेक्स्ट हम समझते हैं एस क्यू सिमेट्रिक्स। ओके, यहाँ पे देखो ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमें उसका आंसर माइनस में आता है ना, माइनस में अगर हमें उसका आंसर जो आता है वो आएगा तो वह एस्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। ओके, या नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, ए उसका जो तत्व है वो ट्रांसपोज करने के बाद, ओके, ट्रांसपोज करने के बाद हमें ना माइनस में मिलेगा तब वह जो होगा एस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो आप जो है मैट्रिक्स के बारे में जो है ना जान चुके हैं। ओके, आप सब कुछ जो है जान चुके हैं। अब एक बात करिए, आप सवाल जो है बना के देखिए एनसीईआरटी में। ओके, एनसीईआरटी का जो सवाल है वो आप बना के देखिए, या नहीं तो आप हाँ यही आप बना के देखो, ऐसे ही बनाया जाता है और क्या। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ओके, रहने दो, फिर मिलते हैं हम अगले।
वीडियो में। ओके बाय।